नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में आज फिर एक हेल्प वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ दोस्तों आज हम हाइड्रोसिल की बेस्ट टैबलेट के बारे में जानेंगे हाइड्रोसिल की समस्या पुरुषों में होती है इसमें एक अंडकोष या दोनों अंडकोष में पानी फर जाता है जिसे हाइड्रोसिल कहा जाता है जब हाइड्रोसिल की समस्या होती है तब उसमें तेज दर्द होने लगता है अंड को उसमें सूजन आ जाता है चलने फिरने में दिक्कत होता है शरीर अस्वस्थ होने लगता है ऐसी परेशानियाँ होने लगती है तो आज हम इस वीडियो में आपको हाइड्रोसिल की एक बेस्ट टेबलेट बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने के बाद में हाइड्रोसिल का सूजन तुरंत समाप्त हो जाता है काफ़ी तेज़ी समाप्त होता है सबसे फास्ट यही टेबलेट काम करता है और बाजार में टेबलेट आते हैं लेकिन इसके इतना बेस्ट कोई काम नहीं करता है दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज हम बात करेंगे डीसी टैबलेट के बारे में जो श्रीनिवास गुजरात कंपनी द्वारा बनाई जाती है आज हम इसके कम्पोजिशन फ़ायदे कैसे इस्तेमाल करें और साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे डी टैबलेट की कम्पोजिशन की बात करें तो इसमें डिठाई कार्बोमाइज्रीन डेढ़ सौ मिलीग्राम क्लोरोफिनेमाम मिलेट अढ़ाई मिलीग्राम पाया जाता है इसकी दस गोली की एम आर पी रुपये पचास पैसे हैं इस साल के अधिकतर आप कोई मेडिसिन लेते हैं जैसे बेनासाइड फूट लेते हैं या हेट्राजन लेते हैं उनके एम काफ़ी कम है लेकिन उसमें एक साल्ट नहीं पाया जाता है एक ही साल्ट पाया जाता है इसलिए थोड़ा एम कम है और उनका रिजल्ट इससे बेस्ट नहीं आता है डीसी फूड का सबसे बेस्ट रिजल्ट तीन दवाई काफ़ी ज़्यादा चलती हैं डीसी फोट हैट्राजन और बेनासाइड फोर्ट लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है डीसी फोर्ट का अधिकतर लोग हेट्राजन बेनासाइड लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उतना बेस्ट नहीं आता है डी सी फूड टैबलेट के फ़ायदे की बात करें दोस्तों तो ये शरीर में परजीवी और क्रीमी दोनों तरह के संक्रमणों को खत्म करता है यह हाइड्रोसिल फैलेरिया वार्मिन इन्फेक्शन एलर्जिक डिसऑर्डर भी इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हाइड्रोसिल के सूजन में ही किया जाता है इसका भी अगर पोता फुल जाता है अगर उसका सही नहीं होता है तो हमेशा डी सी फूट ही इस्तेमाल किया जाता है जिससे जल्दी से जल्दी सूजन खत्म होता है नॉर्मल इसकी सर्दी ज़्यादा पानी शरीर में एलर्जिक डिसऑर्डर है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है और फलरिया में ये टेबलेट काफ़ी ज़्यादा चलती है अब बात करें दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं लेकिन आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें क्योंकि डॉक्टर आपके उम्र और रोग को निर्धारण कर इसके इस्तेमाल करने की सलाह देता है नॉर्मल ऐसे तुम तो विटामिन आयरन की तो गोली नहीं है कि आप एक एक रोज़ लेके इस्तेमाल करने लगे तो इसलिए डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल करें अब बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के तो नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते फिर भी अंग्रेजी एलोपैथिक मेडिसिन है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो ही जाते है अगर आपके शरीर को इससे एलर्जी होता है तो जैसे सुस्ती स्किन जैसे मतली भूख की कमी सिर दर्द बुखार आदि ऐसे प्रॉब्लम आपने देखने को मिले तो तुरंत दवा बंद कर एक बार डॉक्टर से है ले वैसे साइड इफेक्ट कोई ऐसे तो इस्तेमाल नहीं करता जिसके पोता तो सूजन होता है तभी लोग इस्तेमाल करते हैं अधिकतर गांव में सब प्रॉब्लम होता है सूजन अचानक साइकिल वाइकिल चलाने से ये सूजन कैसे कभी भी ऐसे भी हो जाए जैसे आप साइकिल चलाएं उस पर दाब पड़ जाएगा या उस पर चूट लग जाए तो ऐसे सूजन देखने को मिल जाते हैं तब जाके लोग बाजार से या होटल छाप डॉक्टर से ऐसे मेडिसिन मांग लेते हैं तो बिना साइड या हेट्राजन जहाँ इस्तेमाल करते हैं उस समय अगर आप डीसी इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगा और चार पाँच दिन में आपको अगर राहत ना मिले तो आप डॉक्टर से चला ले लें क्योंकि ये सब रेड ग्रुप की दवाएं अपने मन से ज़्यादा दिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और नॉर्मल अगर आप हेट्राजन या बिना साइड फूट ले रहे हैं तो उससे बेस्ट रहेगा आपके लिए डीसी इस्तेमाल करें तो आपके हाइड्रोसेल की सूजन तुरंत समाप्त हो जाएगी काफ़ी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है तो चलिए तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर